हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ, मैंने आज डाली है साड़ी एंड इसके साथ मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बन बना के दिखाऊंगी, वो भी बहुत इजी तरीके से, सिर्फ एक क्लचर की मदद से। तो कैसे करना है सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक है उस पर क्लिक करके इजीली मेरे लेटेस्ट वीडियोज पे, प्रोडक्ट की डिटेल्स पे जाइए और वहां से आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। प्रोडक्ट में अमेजोन पे आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो, वैसलीन डीप मॉइस्चराइजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, देखिए इसे स्पेशली ड्राई स्किन लिखा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक दिख रहा होगा, ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। मैं भी काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस इसका। मैं पहले यूज करती हूँ, आई थिंक आपको अंदर से दिख रहा होगा इतना अमाउंट इसका यूज कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आप भी, आपकी भी ड्राई स्किन है और आप कोई बढ़िया सा बॉडी लोशन मॉइस्चराइजर यूज कर ढूंढ रहे हो, इस पे लिखा हुआ है कि ये बॉडी लोशन है बट आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो। मैं इसको फेस पे भी यूज करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको एक हफ्ते में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और आप इसको अगर इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इजिली बाय कर सकते हो और काफी अच्छा आपके फेस के स्किन के लिए है ये, ड्राई स्किन वालों के लिए। तो वैसलीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके बाय कर लीजिए वहां से। और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं हो। मसाज क्रीम की बात आती है, आपकी स्किन पे रिंकल्स झुर्रियां पड़ रही हैं तो अगर आपको मसाज क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये देखिए आलमंड वाला अरोमा आलमंड हनी और आलमंड का मसाज क्रीम है। ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है एंड स्किन की एजिंग को कंट्रोल करता है एंड आपका जो रिंकल्स है, डार्क स्पॉट्स है, उसको भी धीरे धीरे रिमूव करता है। अगर आप स्किन टाइटनिंग के लिए कोई मसाज क्रीम ढूंढ रहे हो, नाइट क्रीम के तौर पर कोई मसाज क्रीम ढूंढ रहे हो, तब ये बाय कर सकते हो। ये बड़ा है, ये पार्लर पैक है, क्योंकि मेरा पार्लर है तो मैं पार्लर में यूज करती हूँ। इसका छोटा पैक भी मिल जाएगा, तो आप इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके इजीली इसको ले सकते हो। तो चलिए बहुत बातें होगी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल कैसे करनी है वो बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पार्टीशन रखी है क्योंकि मैंने साड़ी डाली और साड़ी के साथ सेंटर पार्टीशन बहुत अच्छी लगती है, तो सेंटर पार्टीशन मैंने कर लिया। आपको साइड रखना हो नहीं रखना है वो आपकी चॉइस है। और जब भी आप सेंटर पार्टीशन रखते हैं तो इयररिंग्स जो आप पहन रहे हो बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए, या फिर झुमका, जो बड़ा सा झुमका होता है वो लीजिए तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपके फेस का। इस तरीके से मैंने कॉम कर लिया है और रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड को ना बहुत ऊंचा लगाना है ना ही बहुत नीचे लगाना है, तो इतना ऊंचा मैंने रखा है। अगेन मैं एक बार कॉम करूंगी। ओके, रबर बैंड को थोड़ा टाइटली लगा लेंगे और क्राउन एरिया पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे, जिससे हमारे क्राउन एरिया का हेयर जो है वो फ्लैट ना लगे और ऐसा ना लगे कि हमारे बाल बहुत पतले हल्के हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है। अब इस तरीके से पोनी को रखना है एंड क्लचर को इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। क्लचर को इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। अब बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड इससे पहले आप अपने पास एक दो यूपिन रख लीजिएगा जिससे कि आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। अब इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद से इस साइड के वालों को इस साइड रखेंगे और इस साइड के वालों को फिर से अगेन टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसको आपस में मिक्स कर देंगे। एंड तक थोड़ा मिक्स करेंगे और ऊपर की तरफ से ऐसे लेके जाएंगे और दूसरी साइड भी लेके आएंगे। इसके अगेन इधर लेके आएंगे, जितना लंबा बाल होगा उतना ही ये खूबसूरत लगेगा आपका हेयर स्टाइल जो है। इस तरीके से कर देंगे, फिर इस साइड के हेयर को सिंपल टू पार्ट में ज्वाइन कर देंगे और आपस में ट्विस्ट कर देंगे। और दूसरी साइड से लेके जाएंगे और क्लचर में ही इन कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो बट अगर आपको और भी ज्यादा कंफर्टेबल लुक चाहिए तो आप यू पिन ऐड
कर लीजिएगा यहाँ पे, एक यूपिन से हो गया है बस, मैं यहाँ पे दूसरा भी यूपिन ऐड कर ले रही हूँ। और ये हमारा इस तरीके का हेयर स्टाइल बन चुका है। बैक में आपका इस तरीके से लगेगा एक क्लचर की मदद से, काफी खूबसूरत सा लो बन बन के रेडी हो गया। डेली वेयर में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। और फ्रंट पे कुछ ऐसा लुक आएगा इसके साथ, बड़ी बड़ी इयर रिंग्स झुमके वगैरह ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक लगेगा। थोड़ा थोड़ा इसको खींच के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक लगेगा हेयर का, इस तरीके से मैंने खींच लिया है। तो छोटे बाल हैं, पतले बाल हैं, तो अभी तरीके से एक क्लचर से साड़ी पे, अगर साड़ी पे कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल, ईजी हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये वाला बना सकते हो बहुत ही आसानी से। सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप ये हेयर स्टाइल करके कहीं भी मार्केटिंग शॉपिंग के लिए जा सकते हो। और अगर आपको इसी में चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिखे, तो आप इसको सिंपली पिन को रिमूव करोगे क्लचर को है इस तरीके से हाइड करते हुए यूपिन को लगा दें, और ये काफी अच्छा सा लुक हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से हाइड करना है क्लचर को, तो आप ब्लैक क्लचर यूज कीजिएगा, क्योंकि रेड हो सकता है कि कहीं कहीं से दिखाई दे। तरीके से नीचे से पकड़ के क्लचर को ओपन करेंगे और ट्विस्ट करना लगा देंगे। ये इस तरीके से सेकंड हेयर स्टाइल हो जाएगा, थोड़ा हल्का फुल्का क्लचर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा ही लगेगा। और ये हमारा हो गया आज का हेयर स्टाइल। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड जो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सब पे जाके लिंक को क्लिक करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट देख सकते हो। इंस्टा आई डी PreetyWhite24 है, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो सेकेंड चैनल है उसमें मैं अपना ब्लॉग वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। सेकंड चैनल का नेम है PreetyWhite2, सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इजीली मेरी जो जो चीज़ें हैं सब पे जाके मेरी वेबसाइट को देख सकते हो, लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हो, प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।